बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर योर स्टूडेंट्स? होप सो यू आर फाइन एंड योर वेकेशन इज़ गोइंग वेल। फ्रॉम टुडे आवर न्यू सेशन वुड स्टार्ट। दिस इज़ द बुक ऑफ योर कंप्यूटर क्लास वन। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, जिसमें से हम फर्स्ट थ्री चैप्टर और थ्री वर्कशीट फर्स्ट टर्म में कम्प्लीट करेंगे। ओपन योर बुक्स पेज नंबर वन। Here is the chapter number 1. Name of this is a computer. बच्चों आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों के घर में कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बहुत सारे कामों में हमारी मदद करती है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि गूगल हमें क्या बता रहा है। देखिए, हाय, आई एम गूगल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी स्मार्ट मशीन कॉल्ड अ कंप्यूटर। कह रहा है कि मैं एक गूगल हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही स्मार्ट मशीन, बहुत ही तेज़ मशीन के बारे में जिसका नाम है कंप्यूटर। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, डू यू नो वट मशीन्स आर? आपको पता होना चाहिए कि मशीन क्या है। कंप्यूटर के बारे में हम जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मशीन क्या चीज़ है। तो मशीन के बारे में है, आ मशीन, मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय अस। मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय अस। एम ए सी एच आई एन ई एस, मशीन्स, ए आर ई आर टी एच आई एन जी एस, थिंग्स, एम ए डी ई, मेड बी वाई बाय यू एस एस। मशीन वो चीज़ें हैं जिन्हें हमने ही बनाया है। टी एच ई वाई दे, एम ए के ई मेक, ओ यू आर ओवर, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, ई ए एस आई ई आर ईजियर, ये हमारा काम आसान करती हैं। उसके बाद क्या गूगल कह रहे हैं, यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन मैनी मशीन, सम ऑफ देम आर गिवन हेयर। आपने अभी तक बहुत सारी मशीन्स घर में देखी होंगी ना। अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि आपके घर में कौन कौन सी मशीन्स हैं, और ये आगे जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे इससे भी आपको मदद मिल जाएगी, जिनमें से कुछ हम अभी पढ़ते हैं एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट है आ पी ए आई आर पेयर, ओ एफ ऑफ, अ पेयर ऑफ, एस सी आई डबल एस ओ आर एस, सीजर्स, आई एस एज, आ एस आई एम पी एल ई, सिंपल, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज आ सिंपल, एम ए सी एच आई एन ई, मशीन, यू एस ई डी यूज, टी ओ सी यू टी कट, पी ए पी ई आर पेपर, ओ आर ओर, सी एल ओ टी एच क्लॉथ। अ पेयर ऑफ सीजर इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट पेपर और क्लॉथ। एक सिंपल मशीन है, एक सादा सी मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को, किसी कपड़े को या किसी पेज पेपर सफ़े को काटने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टोस्टर, जिसमें हम ब्रेड्स के टोस्ट बनाते हैं। A T O A S T E R टोस्टर, I S is a M A C H I N E मशीन, F O U N D found, I N S I D E inside, T H E D H O U S E house, I T 8 H E L P S helps, T O 2 M A K E make, B R E A D bread, C R I S P crisp, A N D and B R O W and brown। टोस्टर एक मशीन है जो अक्सर घरों में होती है। ये ब्रेड, जो डबल रोटी होती है, उसको पकाती है और ब्राउन करती है, मज़ेदार बनाती है। नेक्स्ट है कार, आ सी ए आर कार, आई एस एज, ए आल ए एल ए एल एस ओ आल्सो, आ एम ए सी एच आई एन ई मशीन, एफ ओ यू एन डी फाउंड, O U T S I D E outside, T H E D H O U S E house। A car is also a machine found outside the house। कार भी एक मशीन है जो घरों के बाहर अक्सर हमें नज़र आती हैं या घरों के बाहर जाती हैं। I T 8 I S is, it is U S E D used,
TOTRAVEL ट्रैवल FROM फ्रॉम ONE PLACE प्लेस TO2 ANTHER अनदर। इट इज़ यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब आइए पेज नंबर 2 पे। इधर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, पहले हम वो करेंगे। मार्क अ टिक इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द मशीन्स दैट आर यूजली फाउंड इनसाइड द हाउस। आपने टिक मार्क करना है उन चीज़ों पर जो चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद हैं, वो मशीन्स जो आपके घर के अंदर हैं। नंबर 1 पे है फ्रिज। आपने फ्रिज के सामने टिक लगाना है, यस ये हमारे घर में होती है। फ्लायर एरोप्लेन नहीं, ये हमारे घर के बाहर होता है, तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद ट्रक, ये भी नहीं होता, इसको भी रहने दें। उसके बाद वॉशिंग मशीन, यस वॉशिंग मशीन हमारे घर के अंदर होती है, आपने इसके ऊपर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है दी कंप्यूटर, TheComputer कंप्यूटर, SMART स्मार्ट, MACHINE मशीन। दी कंप्यूटर आ स्मार्ट मशीन। ज्वाइन दी डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर देन कलर इट। आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे अपनी बुक के अंदर, आपने इन इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए ये पिक्चर को कंप्लीट करना है और फिर इसमें कलर करने हैं। नेक्स्ट क्या कहता है गूगल, अब सोच रहा है व्हाट इज़ डैट, ये क्या है, इज इट अ टीवी, क्या ये टीवी है, क्योंकि ये उसके टीवी के साथ रिजेंबल कर रही है, मॉनिटर है। THIS दिस, IS इज आ, MACHINE मशीन, CALLED कॉल्ड आ, COMPUTER कंप्यूटर, दिस इज अ मशीन कॉल्ड अ कंप्यूटर, ये एक मशीन है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। अब ये उसने जो सवाल किया था इज इट अ टीवी, अब ये वो बता रहा है कि ये टीवी नहीं, ये कंप्यूटर है। आ COMPUTER कंप्यूटर, HELPS हेल्प्स अस, USS DO2 MANY many, THINGS things, a computer helps us do many things, कंप्यूटर हमारी मदद करता है बहुत सारी चीज़ें या काम करने में। IT8 HELPS helps, USS SOLVE solve, SUMS sums, DRAW draw, PICTURES pictures, LISTEN listen, TO2 MUSIC music, PLAY play, GAMES games, ETC etc. It helps us solve some, ये हमारी मदद करता है sums में सवाल करने में, pictures बनाने में, listen to music गाना सुनने में, music सुनने में, play games इसके ऊपर games खेलने में, और बहुत सारे काम ये करता है। पेज नंबर 3 ओपन करें। इसमें आपको फिर एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी क्या है चलें पढ़ते हैं। द रैबिट रॉकी, एक रैबिट है, वांट्स टू प्ले अ कंप्यूटर गेम, उसने एक कंप्यूटर गेम खेलनी है। हेल्प हिम रीच हिज कंप्यूटर, उसकी मदद करें वो कंप्यूटर तक पहुँच जाए। आपने ये अपने पेरेंट्स के पास बैठ के उनकी हेल्प लेते हुए इसमें पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करनी है कि वो कौन सा उसका रास्ता है, वो कहाँ कहाँ से होके कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर मैनर्स। कंप्यूटर मैनर्स आपको दो तरह के दिखाई हुई हैं पिक्चर्स, एक में देखें हर चीज़ बिखरी पड़ी है, हर चीज़ गिरी हुई है, और एक में हर चीज़ समेटी हुई है एक साइड पे और हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। तो उसके ऊपर जिस पिक्चर के ऊपर टिक लगा हुआ है कि आपने हमेशा कंप्यूटर के पास इस तरह बैठना है, और क्रॉस इसलिए लगा हुआ है कि आपने इसको जब भी यूज़ करना है तो उस पर गन नहीं डालना, एक्स्ट्रा कोई चीज़ उस पर नहीं रखनी। चलिए नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। KEEP की, THEDCOMPUTER कंप्यूटर, ROM रूम, CLEAN क्लीन, AND ORDERLY ऑर्डरली, DO2 NOT नॉट, EATEAT OR DRIN के ड्रिंक, NEAR नियर, THEDCOMPUTER कंप्यूटर की, दी कंप्यूटर रूम क्लीन एंड ऑर्डरली, अपने कंप्यूटर वाले कमरे को साफ रखें और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें तरतीब से। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर दी कंप्यूटर,
कोई भी चीज़ खाने पीने की कंप्यूटर के पास बैठ के ना खाएं और ना पिएं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो गया, इसकी लर्निंग, इसकी रीडिंग। अब आए पेज नंबर 4 पर, यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी एक किस्म की आपकी एक्टिविटी है। आपने काउंट करना है कि कितने एनिमल्स कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको जो नंबर है वो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपने लिखना है। तो इस पिक्चर को अच्छी तरह देखिए, और उसके बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द क्रो यूजिंग? क्रो क्या यूज़ कर रहा है? लैपटॉप। इज इट अ कंप्यूटर? क्या ये कंप्यूटर है? नो, NO, नो। नंबर ऑफ एनिमल्स यूजिंग कंप्यूटर, आपने अब टोटल नंबर बताना है, कितने एनिमल्स जो हैं वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 4। तो आपने इसमें 4 लिख देना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आपको गिवन है, वो आप नोटबुक पे करेंगे। इसका वर्क इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।